हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका, होप यू ऑल डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डेकोरेशन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी आइडियाज़ हैं, फेस्टिवल्स आ गए हैं तो डेकोरेशन तो बनता है। तो यहाँ पर मैंने लोअर सिटिंग अरेंजमेंट शेयर किया आपके साथ और साड़ी से ही मैंने ये सब अरेंज किया है। बहुत ही ईजी है, घर में रखे हुए सामान से आप इसे डेकोरेट कर पाएंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है तो फोटोग्राफी के लिए बैकड्रॉप तो बनता है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस रूम में हमें डेकोरेट करना है उस कॉर्नर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और दीवार के सेंटर में अगर कील लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बल्ब के होल्डर को यूज़ किया। इस तरीके की जुगाड़ आप लगा सकते हैं या फिर सेलो टेप से भी स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो सिल्क की साड़ी यूज़ की है, इस तरह की गोल्डन बॉर्डर और सिल्क की साड़ी जो है वो फेस्टिव वाइब्स देती है। अदरवाइज आप जॉर्जेट, शिफॉन कोई भी साड़ी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ब्लू साड़ी को इस तरह से देखिए सेंटर से ऐसे गैदर किया है। जस्ट साड़ी का सेंटर ले लेना आपको, इस तरीके से गैदर करते हुए आपको यहाँ पर इसे होल्ड करना है और एक रबर बैंड की हेल्प से आपको इसे यहाँ पर टाई कर लेना है। इतनी दूरी पे आप इसे डबल स्ट्रैंड में टाई कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक थ्रेड की। थ्रेड की मदद से हम इसे यहाँ पर जो बल्ब होल्डर मैंने आपको बताया है उसके ऊपर हैंग करने वाले हैं। अगर आप सेलो टेप से स्टिक कर रहे हैं तो आपको थ्रेड की ज़रूरत नहीं है। तो थ्रेड इस तरह से दो वर्ता आप ले लीजिए एंड इसे यहाँ पर रबर बैंड के अंदर से आप निकाल लीजिए, तो इसे आपको हैंग करने में आसानी रहेगी। अब जैसे इस थ्रेड में आपको नॉट बांधनी है एंड हैंग कर देना है। अगर सेलो टेप से आप कर रहे हैं तो ये रबर बैंड वाला एरिया है, इस पे आपको सेलो टेप को अच्छे से स्टिक करते हुए दोनों तरफ सेलो टेप को वॉल के साथ स्टिक कर देना है और उसके बाद फ्लावर को आपको बनाना है। तो इस तरह से आपका सेलो टेप भी कवर हो जाएगा और इजीली आपका बैकड्रॉप भी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने फ्लावर बना लिया है। सारे गैदर्स जो किए थे हमने साड़ी को उसको हमें फैला लेना है, सिंपल यहाँ पर एक सेफ्टी पिन से उसे अटैच कर देना है। अब यहाँ पर हैंग करने के बाद हम साड़ी के एक सिरे को इस तरह से लेंगे, ऊपर के बॉर्डर को थोड़ा सा आपको टाइट लेना है और उसके बाद नीचे इस तरह से आपको लेयर्स क्रिएट करनी है। एंड ये एंड जो है जितना लंबा आपको रखना है सेटिंग, वहां पर आप इसे थ्रेड से बांध करके सेलो टेप से स्टिक कर दीजिए। देखिए इस तरह से स्टिक करने के बाद आप प्लीट्स को अच्छे से अरेंज कर दीजिए ताकि फ्रंट से उसका लुक काफी अच्छा आए। उसके बाद सेम ऐसा ही हम दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इक्वल रखना है दोनों तरफ। तो सबसे पहले हम अपर बॉर्डर को इस तरह से टाइटली लेंगे, नीचे से प्लीट्स को इस तरह से बनाते हुए कर्व क्रिएट करेंगे और बस जहाँ पर हमने सारा इकट्ठा किया है उसके बाद प्लीट्स को अरेंज करते हुए आप वहाँ पर एक थ्रेड से इसे बांध दें और दोनों साइड इक्वल रहे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, अदरवाइज बैकड्रॉप बहुत ही ऑड दिखेगा। अब यहाँ पर थ्रेड से मैंने इसे बांध दिया है नॉट टाई करके। आप चाहें तो यहाँ पर हैंग कर सकते हैं आसपास, अगर कोई कील है या कोई किसी भी तरह से आप अगर इसे हैंग करना चाहते हैं तो। अदरवाइज सेलो टेप से मैं यहाँ पर स्टिक करना भी दिखा देती हूँ आपको। सेलो टेप मैंने चौड़ा वाला लिया है, यहाँ पर चौड़े वाले की ग्रिप अच्छी रहती है। अब इसे यहाँ पर इस तरह से राउंड फोल्ड करते हुए साड़ी के ऊपर आप इसे वॉल पे लगाएंगे तो ये निकलेगा नहीं। अगर आप सिंगल स्ट्रैंड से लगाने की कोशिश करेंगे तो वेट की वजह से सेलो टेप निकल जाता है, तो एक राउंड ज़रूर आप साड़ी के आसपास उसे लगा करके देन वॉल पे स्टिक करें तो ये निकलेगा नहीं। अब इसे आप चाहें तो किसी चीज़ से कवर कर सकते हैं या फिर साड़ी को भी इस तरह से अरेंज करेंगे तो ये कवर हो जाएगा। अब प्लीट्स को अच्छे से अरेंज करते हुए देखिए हमारे दोनों साइड के कर्व बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, इक्वल आए हैं एंड बीच में फ्लावर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ और डेकोरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्लावर्स यूज़ करने वाली हूँ फेस्टिवल में। मैरीगोल्ड फ्लावर्स तो मस्ट है, कि मैंने ऑनलाइन ही परचेज किए हैं, ये हर फेस्टिवल पे काम आ जाते हैं। फेस्टिवल के बाद आप इसे अच्छे से कवर करके रख दीजिए तो सालों साल चलते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको स्टिक करने का तरीका भी आप देख लीजिए, इससे आप सेलो टेप से स्टिक करेंगे तो ये बार बार निकलेगा भी नहीं। एंड नाउ मैंने यहाँ पर मैट्रेस को इस तरह से हाफ फोल्ड करके रख दिया है। आप चाहें तो वर्टिकल फोल्ड भी कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए था तो मैंने इसे 3 times फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर मैं एक टेबल यूज़ करने वाली हूँ, उसके ऊपर मैं ये सिल्क का दुपट्टे से इसे कवर करने वाली हूँ। सिल्क का दुपट्टा आप मैचिंग ले लीजिए अपने थीम से। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए थोड़े प्लांट्स, लैंटर्न एंड बुद्धा लैम्प मैंने यहाँ रख दिया है। देन दूसरी साइड आप देख रहे हैं, दूसरी साइड मैंने यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ ड्रॉअर जो आती है उसका टॉप वाला पार्ट ले लिया है। अगर आपके पास टेबल्स हैं, स्टूल्स हैं तो आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुशन कवर से इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। सिल्क के ही कुशंस मैंने यहाँ यूज किए हैं, ये कवर्स भी मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि मैं ये डेकोरेशन कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर फ्रंट में थाली भी डेकोरेट करके रखी है। इस थाली का वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर की तरफ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। थाली को भी मैंने घर पर ही डेकोरेट किया है तो जरूर देखिएगा, वो
वीडियो, और सामने मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स और उसके ऊपर बांधनी का दुपट्टा स्काई ब्लू कलर थीम से बहुत अच्छे से कॉन्ट्रास्ट में जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू दुपट्टे को इससे कवर करके इस तरह से थाली को यहाँ पर रख दिया है। आई होप ये आइडियाज आपको हेल्पफुल लगे होंगे एंड ईजी भी है। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके पास की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन।